हेलो एवरीवन दिस इज राजीव फ्रॉम मिनी सिमेक्स सो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रोग्राम टू तो प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ द गिवन नंबर सो so, हमारा क्वेश्चन है प्रोग्राम टू तो प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर ऑफ गिवन नंबर सो so, पहले देख लेते हैं फैक्टोरियल क्या होता है किसी भी नंबर का सो फाइव का फैक्टोरियल क्या होगा सो so अगर किसी नंबर का फाइव का किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है तो उसको रिवर्स में मल्टीप्लाई कर दो वन तक सो फाइव इंटू फो इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन तो ये कितना हो जाएगा फाइव इंटू फोर ट्वेंटी अब ट्वेंटी को फिर थ्री से मल्टीप्लाई करो तो ट्वेंटी इंटू थ्री सिक्सटी फिर सिक्सटी को वन से टू से मल्टीप्लाई करो सिक्सटी इंटू टू वन ट्वेंटी और फिर वन ट्वेंटी को वन से मल्टीप्लाई करो सो वन ट्वेंटी वन वन टू वन ट्वेंटी तो फाइव का फैक्टोरियल हो जाएगा वन ट्वेंटी उसी तरह अगर फोर का फैक्टोरियल निकालना है तो फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन तो कितना होगा फोर इंटू थ्री ट्वेल्व ट्वेल्व इंटू टू ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर इंटू वन ट्वेंटी फोर तो फोर का फैक्टोरियल ट्वेंटी फोर तो इस प्रोग्राम में करना क्या है यूजर एक नंबर एंटर करेगा और हमें उसका आउटपुट प्रिंट कर देना हमें बताना है उस नंबर का फैक्टोरियल क्या होगा तो सपोज यूजर ने अगर इनपुट दिया फाइव तो हमारा आउटपुट क्या आएगा फाइव का फैक्टोरियल कितना होता है वन ट्वेंटी ना तो वन ट्वेंटी अगर यूजर ने इनपुट किया फोर तो आउटपुट क्या होगा आउटपुट आएगा हमारा ट्वेंटी टेन का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा सो टेन इंटू नाइन इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन अब उतना लंबा हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे आई होप समझ में आ गया होगा कि क्या होता है right? राइट तो चलो अब इस प्रोग्राम को कैसे करेंगे तो अगर मैं इस प्रोग्राम में सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि एक नंबर इनपुट लेना होगा तो यहां पे एक वेरिएबल ले, ले लेते हैं आई एन एन और फिर इसमें इनपुट ले, ले लेते हैं तो पहले एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और मैसेज दे देते हैं एंटर दी नंबर एंटर दी नंबर राइट अब फिर यहां पे हम एन असाइन विथ एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी ये हमने इनपुट ले लिया थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आ रहा होगा बिकॉज बगल में मंदिर है वहां पे आज कुछ पूजा है तो आई होप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहा होगा तो हमने इनपुट ले लिया राइट right? अब हमें क्या करना है यहाँ पे हम यूजर एन में जो भी नंबर एंटर किया है उसका फैक्टोरियल हमको निकालना है यानी हमको क्या करना है अब देखो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे प्रोसेस समझना फाइव का फैक्टोरियल निकालने के लिए क्या करोगे तुम फाइव को तो मल्टीप्लाई करोगे फोर से देन थ्री देन टू देन वन यानी अगर यूजर ने फाइव एंटर किया तो वन से लेके फाइव तक हर नंबर को हमें एक्सेस करना पड़ेगा तभी तो मल्टीप्लाई करेंगे अगर यूजर ने एन में टेन एंटर कर दिया तो तुम्हें क्या करना है टेन इंटू नाइन इंटू एट ऐसे कहां तक वन तक इधर से भी हम बोल सकते हैं कि वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर कहां तक टेन तक तो चाहे तुम फाइव से इस साइड से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो जैसे यूजर ने फाइव एंटर किया तो तुम ऐसे कर सकते हो फाइव इंटू फोर ट्वेंटी फिर 20 इंटू थ्री सिक्सटी सिक्सटी इंटू टू वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी इंटू वन वन ट्वेंटी और तुम चाहो तो इस साइड से भी कर सकते हो वन इंटू टू वन और फिर सॉरी वन इंटू टू टू एंड देन टू इंटू थ्री सिक्स और सिक्स इंटू फोर सिक्स फोर से कितना होता है ट्वेंटी फोर एंड ट्वेंटी फोर इंटू फाइव वन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इंटू फाइव वन ट्वेंटी राइट सो ये दोनों तरीके से कर सकते हैं यूजर so में जो भी वैल्यू एंटर करेगा वन से एन तक हर नंबर को पहले हमें एक्सेस करना पड़ेगा तब तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे मैंने क्या बताया कि कोई भी काम अगर हमको बार बार करना है तो हम लूप का यूज करते हैं अब यहां पे हमको क्या करना है मल्टीप्लाई बार बार करना है ठीक है जैसे यूजर ने फाइव एंटर किया तो फाइव को फोर से देन जो भी आएगा उसको थ्री से फिर जो रिजल्ट आएगा उसको टू से यानी मल्टीप्लीकेशन का काम बार बार करना है रिपीटेशन होगा तो एक लूप चला देंगे हम फॉर और लूप कहां से कहां तक चलेगा वन से स्टार्ट करते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई करना हमें वन से शुरू करना है और कहां तक एन तक क्योंकि एन तक हमको जाना है तो आई लेस देन इक्वल्स टू फाइव एंड देन आई प्लस प्लस अब यहां देखो जब इस लूप के अंदर हम फर्स्ट टाइम आएंगे तो आई यूजर ने एन में N में यूजर ने एंटर कर दिया लेट मी टेक टेकाम्पल ऑफ अ नंबर यूजर ने एन में फोर एंटर कर दिया तो जब इस लूप के अंदर हम फर्स्ट टाइम आएंगे तो आई की वैल्यू क्या होगी आई की वैल्यू होगी फर्स्ट टाइम वन सेकेंड टाइम जब आएंगे लूप के अंदर तो आई की वैल्यू होगी टू थर्ड टाइम होगी थ्री फोर्थ टाइम होगी फोर और उसके बाद ये हमारा लूप का कंडीशन फॉल्स हो जाएगा राइट right? सॉरी एक चीज मैंने गलती कर दिया यहाँ पे हम फाइव नहीं लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि में हमारा नंबर आएगा ना राइट right? तो four, और four के बाद जब होगा तो कंडीशन हमारा फाइव लेस देन इक्वल टू फाइव फॉल्स हो जाएगा राइट सो आई होप समझ में आ गया होगा अब यहां पे हम क्या करेंगे बहुत सिंपल है यहाँ पे एन के बगल में एक और वेरिएबल ले लो कॉमा एफ और एफ में वन स्टोर कर लो अभी बताता हूं क्यों कि मैंने किया। तो अब ध्यान से देखो ना यहां पे हमको क्या करना है मान लो यूजर ने एन में फोर एंटर कर दिया तो आई की वैल्यू फोर के अंदर फर्स्ट टाइम वन होगी होगा, होगा, होगा। अब बस मल्टीप्लाई कर देना है तो अंदर हम लिख सकते हैं क्या एफ असाइन विथ एफ इन टू आई हो गया अब तुम देखो सपोज तुमने एन में फोर एंटर कर दिया जब कंप्यूटर लूप में एंटर करेगा तो पहले को एग्जीक्यूट करेगा तो आई में कितना है फिर पे जाएगा, तो, I तो अंदर आएगा तो पहले के right करेगा, F I, तो F में कितना है वन और आई में भी कितना है one. तो one one, F में कितना स्टोर हो गया वन राइट हैंड साइड एल एच एस वाले एफ में वन आ गया यानी हर जगह एफ की वैल्यू चेंज हो गई मतलब पहले भी वन था तो अभी वन ही स्टोर हुआ है ठीक है फिर आई प्लस प्लस तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगा टू अच्छा आप समझ में आए ना कि मैंने यहाँ पे एफ में वन क्यों लिया है क्योंकि जब फर्स्ट टाइम यहां पे एफ इन टू आई हुआ तो एफ में, कोई एफ में तो चाहिए और अगर मान लो यहां पे हम जीरो ले ले तो मल्टीप्लाई करने के बाद पूरा जीरो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी टू फिर कंडीशन चेक करेगा तो टू लेस देन इक्वल टू एन एन में कितना है फोर

अब F में क्या स्टोर हो जाएगा? Six. फिर पे जाएगा, तो I की कितना है फोर तो सिक्स इंटू फोर ट्वेंटी फोर एफ में कितना आ गया ट्वेंटी फोर फिर आई प्लस प्लस तो आई की वैल्यू फाइव देन कंडीशन चेक करेगा तो फाइव ये कंडीशन हमारा फाइव लेस देन इक्वल टू फाइव कंडीशन सॉरी एन में फोर है ना हमारा यहां पे हमने तो एन में फोर लिया है और आई में फाइव है एन में फोर है तो कंडीशन क्या हो गया फॉल्स तो हमारा कंप्यूटर फोर के बाहर निकल जाएगा तो फाइनल वैल्यू एफ में कितनी आई ट्वेंटी फोर और फोर का फैक्टोरियल क्या होता है ट्वेंटी फोर बाहर निकलने के बाद प्रिंट कर दो लूप के अंदर प्रिंट नहीं करेंगे तो बार बार प्रिंट करेगा तो पहले एक मैसेज दे देते हैं फैक्टोरियल ऑफ गिवेन नंबर इज किस में है फैक्टोरियल एफ में तो प्लस एफ आई होप समझ में आ गया होगा राइट right? तो जब फाइनल एफ की वैल्यू आ जाएगी और जब कंडीशन फॉल्स होगा कंप्यूटर फॉर के बाहर आएगा तो इस लाइन को एग्जीक्यूट कर देगा प्रिंट कर देगा फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर इज एफ तो चलो इस रन करते हैं इस प्रोग्राम को कंट्रोल एस रन कैसे करेंगे सो जावा सी एंड देन प्रोग्राम का नाम क्या है हमारा डेमो डॉट जावा एंटर कोई एरर नहीं है जावा डेमो एंटर करते हैं मैंने एंटर कर दिया देखो क्या आया फैक्टोरियल करके देख लो फोर इंटू थ्री इंटू ट्वेंटी फोर ही आएगा फिर रन करते हैं मैं देता हूं फाइव तो फाइव का फैक्टोरियल वन ट्वेंटी होता है देखो आ गया फिर रन करते हैं फिर मैं देता हूं टेन तो टेन का फैक्टोरियल निकाल लो टेन इंटू नाइन इंटू एट इन सेवन सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू वन कितना होगा ये देखो इतना बड़ा नंबर आएगा राइट right? सो आई होप ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताओ दैन मैं उस पर दूसरा वीडियो बना दूंगा सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में